नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज हो गया 20 सितंबर 2020 दिन रविवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या अब तक 1,66,987 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,616 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 859 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 1,51,400 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,678 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के बीच झारखंड और बिहार के बीच बस सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से एक पत्र लिखा है। यह चिट्ठी बिहार सरकार के परिवहन विभाग में लिखा है। बताया जा रहा है कि विभाग चाहता है कि जल्द से जल्द दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू की जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिले, साथ ही बस मालिकों को भी आमदनी शुरू हो जाए। बिहार में पहली बार रबड़ का डैम फाल्गु नदी पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे। इस डैम को बनाने का मकसद गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु में सालों भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध कराना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को पिछले दिनों निर्देश दिया था। प्रतिपक्ष में वहाँ स्नान, तर्पण और पिंड दान के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। जल संसाधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्देश पर जल संसाधन विभाग वहां 405 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबड़ डैम का निर्माण कराएगा, जो आकर्षण का केंद्र होगा। इस बार 405 मीटर लंबा पैदल पार पथ भी बनेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने साल 2020-21 की परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। इसी कैलेंडर के अनुसार आयोग द्वारा दिसंबर से लेकर मार्च तक की कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजित कराएगा। मालूम हो कि सिविल सेवा 66वीं की नई रिक्तियों के लिए आयोग 562 पदों के लिए 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आवेदन लेगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान परीक्षाएँ नहीं लिए जाने के कारण अभ्यर्थियों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर परीक्षा लेने का दबाव बना रहे थे। वहीं बिहार में चुनाव होने हैं, इसी वजह से आयोग पर भी परीक्षाओं की तिथि जारी करने का दबाव था। पटना जिले में एक बार फिर से मास्क को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। इस बार जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है और नई रणनीति भी बनाई गई है। अब अगर कोई भी बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसकी कोरोना जांच कराई जाएगी। अगर वे पॉजिटिव निकले तो उसे अस्पताल में स्थित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा। किसी भी हालत में होम आइसोलेशन में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही अगर संबंधित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिलती है तो फिर उसे जुर्माना वसूलने के बाद डांट फटकार के बाद छोड़ दिया जाएगा। अगर वाहन चालक बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई जाती है तो उनके वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, रसोईया, किसान सलाहकार और विकास मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में काम करने वाले इन कर्मियों को अगले साल 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका का राज्य भत्ता 1155 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया गया है। मैंने आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1130 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का भत्ता 576 रुपये से बढ़ाकर 725 रुपये करने का फैसला लिया है। नया भत्ता देने पर राज्य सरकार पर 60,06,93,000 का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। बिहार के कैंसर मरीजों को अब पटना में ही सभी आधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा अगले सप्ताह 22 सितंबर से मिलने लगेगी। इससे मरीजों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। बहुप्रतीक्षित IGIMS के स्टेट कैंसर सेंटर का उद्घाटन 22 सितंबर को होगा। इससे कई सालों से कैंसर मरीजों का इंतजार खत्म हो जाएगा।
राज्यसभा में शनिवार को बीजेपी के एक सदस्य ने भोजपुरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि करीब 50 साल से की जा रही इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार को तत्काल विधेयक लाना चाहिए। भाजपा के नीरज शेखर ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या करीब 20 करोड़ रुपये है और विदेश में करीब 8 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या आपकी राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जन अधिकार पार्टी के संरक्षण व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को केंद्र के कृषि विधेयक पर जमकर विरोध किया। उन्होंने इसे खेती को अमेरिका के हाथों में गिरवी रखने वाला कानून बताया और इसके खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ 20 सितंबर को जाप के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अगले दिन यानी 21 को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 2-4 लेन पुलों का शिलान्यास जल्द करेंगे। बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत राज्य में 2 नदियों पर बनने वाले भागलपुर और फलोद 4 लेन सेतु की निविदा मिल गई है। दोनों पुलों के निर्माण पर 2594 करोड़ की लागत आएगी। आपको बता दें कि इन सभी परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितम्बर को करेंगे। गया के लोंगी भुइया को महिंद्रा समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आनंद महिंद्रा ने ट्रैक्टर का वादा किया है। लोंगी भुइया ने दशरथ मांझी नक्शे कदम पर चलते हुए 20 साल में दुर्गम रास्तों को खोदकर 5 किलोमीटर लंबी नहर बना दी है। लोंगी भुइया के जज्बे और जुनून को सलाम करते हुए आनंद महिंद्रा ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। राजधानी पटना में कोरोना के रोकथाम के लिए डीएम कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिना मास्क वाले शख्स के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए बाद में डीएम ने एक बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने पटना के 2 सब्जी मंडियों को 3 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। इन दोनों सब्जी मंडियों को सील कर दिया गया है। दरअसल डीएम कुमार फारवी को यह जानकारी मिली थी कि इन मंडियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने आदेश पारित करते हुए दोनों ही सब्जी मंडियों को बंद करवा दिया है। इनमें मुख्य रूप से पटना के राजेंद्र नगर और कांकड़बाग टेम्पो स्टैंड वाली सब्जी मंडियां बंद रहेगी। 22 सितंबर को होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 120 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 4 विकल्प दिया जाएगा। इसमें किसी उत्तर का चयन करना है, ओएमआर सीट का इसका जवाब देना होगा। कुल 2 घंटे की परीक्षा होगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 55 बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए 30 परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं। परीक्षा होने के बाद 30 सितंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद 2 बार ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद 1 बार ऑन स्पॉट काउंसलिंग भी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत गांधी मैदान में लगाई जा रही मेगा स्क्रीन परियोजना का उद्घाटन किया। साथ ही मिशन की अन्य परियोजना इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर सेंटर की भवन का भी शिलान्यास किया। पहली परियोजना के उद्घाटन के पहले ही पटना स्मार्ट सिटी ने रैंकिंग के मामले में भी छलांग लगाई है। कंपनी की रैंकिंग सुधर कर 28 हो गई है। इससे पहले 3 सितम्बर 2020 को रैंकिंग 47 थी। तो अंत में बात करते हैं रोजगार को लेकर। तो आखिरकार 1.5 साल बाद सभी 13 विश्वविद्यालयों से विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए शिक्षा विभाग को 4638 रिक्तियां मिल गई है। सबसे अधिक ALNMU में 856 पद रिक्त हैं। सबसे कम मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में 2 पद है। PU में 273 और TMBU में 287 रिक्तियाँ हैं। रोस्टर एवं रेशलाइजेशन के अनुसार रिक्ति विभाग को मिल गई है। रिक्तियां जल्द विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।